आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर सुबह 6 बजे से मतदान जारी है और ऐसे में लगातार जो मत प्रतिशत है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन में मतदान हो रहा है और साथ ही साथ झांसी, हमीरपुर, बांधा, फतेहपुर, कौशाम्बी में मतदान हो रहा है। बाराबंकी, फैज़ाबाद, केसरगंज और गोंडा में वोटिंग हो रही है। मतदान को लेकर युवा मतदाताओं में जोश दिख रहा है। तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। इसके अलावा लखनऊ पूर्वी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में हो रहे 14 लोकसभा सीटों के नाम मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांधा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैज़ाबाद और कैसरगंज और गोंडा है। रोमा आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने अपने मत का प्रयोग किया है। उन्होंने जनता से ज़्यादा वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम प्रदेश के 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। तो वोट डालने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा है कि मैं सभी से अपील करता हूँ कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए शत प्रतिशत मतदान करें। हम प्रदेश के 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। अमेठी और रायबरेली भी जीत रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने मत का प्रयोग किया है और लोगों से ज़्यादा वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, मतदान केंद्र जाकर उत्सव में सहभागी बने। तो अमेठी से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि आप जल्द से जल्द अपने मतदान केंद्र जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और इसके भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने गाँव में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक नेता को मैंने अपना मत दिया। कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। सभी जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब ऐसे में लगातार जो मतदाता हैं उनको साधने की भी कोशिश की जा रही है। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिवाड़ा ने भी मतदान किया है। आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान हो रहा है। 14 लोकसभा क्षेत्रों में 7 बजे से वोट पड़ने शुरू हो गए हैं। मैं इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में, ये 21 जिलों में ये 14 लोकसभा क्षेत्र पड़ रहे हैं। सभी हमारे जितने वोटर्स हैं इन जिलों के, इस क्षेत्र के, उनसे मेरी अपील है कि आप अपने घरों से निकल के, आज आपके यहाँ छुट्टी का दिन होगा, वोट डालने आए और ये जो चुनाव का हमारा पर्व है इसको पर्व की तरह बनाएं, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनने में अपना योगदान करें, देश की सरकार बनाने में अपना योगदान करें और ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा। रामनगरी अयोध्या में मतदान जारी है। ऐसे में लगातार जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर इस उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो अयोध्या में लोकतंत्र में अपना मतदान का प्रयोग आम जनमानस करना चालू कर दिया है। अयोध्या विधानसभा से 13 प्रत्याशी और लगभग 19 लाख वोटर हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक व्यवस्था कर दी गई है। लोकसभा चुनाव की 14 लोकसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है और ऐसे में लगातार जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। तो जालौन प्रदेश में आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है, जिसके तहत जालौन में भी आज सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया है। सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पोलिंग बूथों पर पहुंचकर मतदान किया। वहीं सुबह डीएम राजेश कुमार पांडे और एसपी ईरज राजा ने भी पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि जालौन लोकसभा क्षेत्र में जनपद की 3 विधानसभाओं उरई, माधोगढ़ और कालपी विधानसभा सहित झांसी जनपद की गरौठ और कानपुर देहात जनपद की भोगनीपुर विधानसभा शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल सिंह ने अपने मत का प्रयोग किया है। वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह का भी अब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब कोई भ्रम नहीं बचा है, कमल खिल रहा है। तो रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह का बयान सामने आया। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि जब कोई भ्रम नहीं बचा है, अमेठी और रायबरेली में कमल खिल रहा है। चुनाव जब हो रहा था तब आदरणीय अमित शाह जी ने कहा होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की तारीख में रायबरेली अमेठी दोनों कमल खिल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबीसी स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।